हे गाइस, हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे आज मैंने सोचा जल्दी उठ जाती हूँ, थोड़ा सा मैं भी अपना योगदान दे देती हूँ योगा करने में। वैसे तो मैं 8 बजे से पहले मेरी नींद ही नहीं खुलती है, और तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा कर लेती हूँ, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का ऑनलाइन योगा था। तो वो तो उनकी जब तक ऑनलाइन स्टार्ट नहीं होती, वो तो ऐसे खेल में लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो साथ ही साथ मेरा मजाक भी बना रहे हैं। और हमारी टी शर्ट्स कैसी लग रही दोनों की, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों ने योगा किया कि नहीं ये भी ज़रूर बताना। तो मैं उठ गई थी 5:45 बजे, तो फिर मैंने 6 से 45 मिनट तक थोड़ा योगा वोगा किया, थोड़ी मस्ती, थोड़ा योगा। मैं उसके बाद पूछ भी रही थी अब मैं कौन सा योगा करूँ। तो आज मैं जल्दी उठ गई और डी सोई थी, कितनी बार तो उठ गई थी। तो मैंने सोचा चलिए आज मैं अपने इस वाले ब्लॉग में ना थोड़ा सा ये भी मेंशन कर देती हूँ, आज योगा डे है तो थोड़ा सा योगा वाला ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो सोचा चलिए थोड़ा सा मैं ना आपके साथ ये भी, मैंने कहा देखो थोड़ा मैंने योगा किया, मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैंने आज योगा भी किया है। अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ अपने किचन में, और मैंने पहले किचन को साफ़ कर लिया है अपनी स्लैब वगैरह था, क्योंकि नाइट में बहुत कॉकरोच वगैरह आए रहते हैं तो गंदगी वगैरह हो जाती है। इसलिए पहले मैंने गीले कपड़े को ना अपने किचन गीले कपड़े से अपने स्लैब को साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर बनाऊँगी चाय, और चाय तो 2 टाइम बनेगी क्योंकि अभी बन रही है, उसके बाद मैं चीले बनाने वाली हूँ आज, और उसके बाद चीले के साथ बनेगी चाय। अब तक डी भी उठ चुकी है, तो मैंने सोचा पहले हस्बैंड को चाय दे देती हूँ, फिर साथ ही साथ मैं चाय भी पी लूँगी और चिल्ले के लिए सब्जी अगर भी कट कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे चाय दी जा रही है, और देखो चाय कितनी गिरती है मुझसे हमेशा। और बस उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ चिल्ले, और ये विदाउट ऑयल चिल्ले हैं, ये बहुत हल्ला करती है गाइस, प्लीज़ डोंट माइंड। तो ये विदाउट ऑयल है क्योंकि मेरे हस्बैंड को फिर सुबह सुबह ऑयली खाना पसंद नहीं होता, तो ऑयल विदाउट ऑयल थोड़ा सा चिपकने का डर रहता है, बट वैसे बहुत अच्छे बनते हैं ये, बड़े थोड़ा सा केयरफुली बनाओ तो। ये नॉन स्टिक तवा है, बहुत पुराना हो गया है लेकिन, बट फिर भी बन जाता है इस पर। और यहाँ पे मैं 4-5 चिल्ले बना लूँगी, और उसके बाद मेरे हस्बैंड नहाने चले गए हैं, और क्या कहते हैं कि वो दिया वगैरह जला लेंगे, उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेंगे। आज थोड़ा उनको लेट जाना था क्योंकि आज उनका योगा डे था और ऑनलाइन योगा। यहाँ पे मैंने डी के लिए भी सेलेक रेडी कर लिया है, और ये हमारे चिल्ले चाय, और आप लोग भी आ जाइए हमको ज्वाइन कीजिए। अब यहाँ से मेरी स्टार्ट होने वाली है प्रेगनेंसी वाली जर्नी, तो मैंने सोचा चलो आज का थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, अदरवाइज़ फिर आप भी थोड़ा सा बोर हो जाएंगे। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा, सो गाइस सॉरी उसके लिए। तो आज मैंने काफ़ी टाइम से सोचा था मैं ये जर्नी शेयर करूँगी, फिर तो मुझे कमेंट आ गया तो मेरे तो मज़े हो गए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो हाय गाइस, आज किस किस ने योगा किया कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और डेली करते हैं क्या आप लोग? मैं तो डेली बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, कभी मेरा मन करता है तो मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ, लेकिन मैं जितना ही एक्सरसाइज करती हूँ उतना ही ज़्यादा खाना भी खाती हूँ। तो आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, एक कल या परसों में मैंने ना टाइटल आई मीन्स कम्युनिटी पे पोस्ट डाल रखा था कि मुझे किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे कमेंट आया था कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए,
और यहाँ से डीकी आवाज़ आएगी, क्योंकि आप तो जानते ही हैं दिन में हम दोनों ही रहते हैं घर पे, और तो डीकी आवाज़ आना तो ऑब्वियसली है क्योंकि जस्ट अभी पहले उड़ गई है। तो चलिए, मैं पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कभी भी आप प्रेग्नेंट हो ना, तो आप अपने लाइफ पार्टनर से प्लीज़ दूर मत जाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर के साथ होते हैं और प्रेगनेंसी में हम लोग ना उससे दूर चले जाते हैं, घर चले जाते हैं, अपनी मम्मी के पास, अपनी मदर इन लॉ के पास चले जाते हैं। लेकिन जो हमारा पार्टनर कर सकता है ना हमारे लिए, वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। तो मैं पूरे 1.5 साल बाद अपने घर गई थी, यानी कि ससुराल। तो वो बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे खुशी ज़्यादा इसलिए होती क्योंकि हम लोग मायके जाएंगे करके। तो मैं बहुत खुश थी, गांव में शादी भी थी, और तो मैंने सोचा था मेरे पापा भी घर आ रहे हैं तो मैं घर जाऊंगी। मैं हल्द्वानी हम लोग गए, और उसके बाद मेरी जब घर पे लास्ट टाइम पीरियड्स हुआ था वो था 13 नवंबर। उसके बाद जब हम लोग आए दिसंबर में वाइजाग आए, उसके बाद मैंने 20 दिसंबर को अपना चेक किया था, तो मुझे मेरा जो मैंने प्रेगनेंसी किट वो पॉजिटिव निकला। तो मतलब वो मेरी पहली प्रेगनेंसी थी, और तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर ही अंदर बहुत खुश थे हम दोनों। उसके बाद बस मेरे सिम्टम्स भी स्टार्ट हो गए थे कि मुझे वॉमिटिंग, चक्कर आना, और एकदम बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती थी। तो मैं यहाँ अब मेरे हस्बैंड में अब दिन भी मैंने ड्यूटी जाना छोड़ दिया था, मैंने मैसेज कर दिया था कि मुझे ड्यूटी नहीं आना है, क्योंकि मेरे बस का नहीं था। और मेरी ड्यूटी हमेशा इमरजेंसी में रहती थी, और इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ती थी, जो मेरे बस का नहीं था। और उस टाइम पर मैं बिल्कुल भी ऐसी हालत में नहीं थी कि मैं चल पाऊँ, मैं कुछ कर पाऊँ। तो मेरे हस्बैंड जब भी ड्यूटी जाते थे मेरे लिए खाना बना के मेरे बिस्तर के बगल में रख के जाते थे, तो मैं कभी उसको खाती थी तो कभी नहीं खाती थी, वो वैसा के वैसे ही रहता था। इवन मैं पानी तक नहीं पीती थी, तो मेरी बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोग इधर, हमारा जो कल्याणी हॉस्पिटल है हम लोगों का डिफेंस का, तो हम लोग उधर गए, और एक TBS होता है, तो उसमें कन्फर्मेशन हो जाता है कि हम प्रेग्नेंट है नहीं है। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है ना कि हमारे पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, वैसे मेरे हमेशा रेगुलर ही रहते हैं। तो TBS होता है जस्ट लाइक अल्ट्रासाउंड, तो मेरा TBS हुआ था और उससे कन्फर्मेशन हो गया था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। आई थिंक 25th या 27th को समथिंग ऐसे ही किया था दिसंबर। उसके बाद हाँ ठीक है, मैं काफ़ी खुश भी थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो मेरे हस्बैंड मेरी हालत देख के ना हमेशा ये बोलते थे कि तेरे बस का नहीं है, अबॉर्शन करा लेते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं। लेकिन मैं उनको कहती थी कि नहीं, हम ऐसा कब तक करेंगे, अगर इस बार तो चलो अबॉर्ट कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम भी सेम मेरी कंडीशन होगी तब क्या करेंगे। तो मेरी कंडीशन देखे उन्होंने ऐसा बोला, बट मैंने मना कर दिया। कहीं ना कहीं वो भी बहुत खुश थे, लेकिन मेरी हालत देख के वो बहुत डर जाते थे कि पता नहीं इसे कुछ हो ना जाए। तो फिर मैंने अपने घर अपनी मम्मी को बताया पहले, तो मेरी मम्मी ने बोला कि ठीक है तू घर आ जा। और तो मेरी सिस्टर की शादी थी कज़न की अप्रैल में, तो मैंने भी कहीं ना कहीं ये सोचा कि अगर मैं अप्रैल में मेरी सिस्टर की शादी है तो 7-8 मंथ चलेगा और मैं शायद नहीं जा पाऊँगी, तो मैं भी चली जाती हूँ, ये बहुत परेशान कर दी। तो मैंने सोचा चली जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड ने मुझे उस टाइम पे भी बोला था कि देखो मत जाओ, बाद में मुझे मत कहना कि तुम्हारा ख्याल वहाँ पे कोई नहीं रखेगा। क्योंकि जो ख्याल हस्बैंड रखते हैं और जो चीज़ हम उनसे शेयर कर सकते हैं ना, वो किसी से भी नहीं कर सकते हैं। मैं आप लोगों से बार बार यही कहूँगी, प्लीज़ कभी भी अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ के मत जाना, और जितना हो सके उनके साथ रहना, इस टाइम पर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम लोग उसके बाद फिर मैं 2 फरवरी को घर चली गई, मेरे हस्बैंड मुझे, मैं फ़्लाइट से गई क्योंकि मेरे बस का था ट्रेन से जाना, और इतना लंबा फिर जर्नी करना नहीं था। फिर हम लोग, मैं एक्चुअली मेरी मॉम ने कहा, मैंने अपनी मम्मी को कहा था कि आप यहाँ आ जाओ, तो मेरी मम्मी ने कहा कि उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली मेरी भाभी भी प्रेग्नेंट थी, बट किसी कारण उनका फिर मिसकैरेज हो गया था। तो हम दोनों का सेम टाइम चल रहा था, तो बात भी उनकी भी गलत नहीं थी, क्योंकि अपनी बहू को छोड़ के अपनी बेटी के पास कैसे आ सकती थी, क्योंकि शादी के बाद तो बहू ही बेटी होती है। देन मेरे लॉज ने भी बोल दिया था कि हम लोग तो नहीं आने वाले हैं। तो फिर मैं घर चली गई, और जिस दिन मैं घर पहुंची तो मेरी भाभी का उसी दिन मिसकैरेज भी हो गया था। तो जब तक फेब मंथ मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे तो मुझे अच्छा लगता था, ठीक लगता, क्योंकि उनको मेरे साथ थे, हर चीज़ उनसे शेयर करती थी। मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मेरा वेट 46 से 42 में पहुंच गया था। बेसिकली सबका वेट बढ़ता है, मेरा कम हो गया था। एंड
एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे रात को बहुत ज़्यादा खून की उल्टियाँ होने लगी, तो मुझे उस दिन लगा शायद आज तो मेरा मिसकैरेज हो जाएगा और ना मैं यहाँ की रही ना मैं वहाँ की रही, तो मुझे बहुत बड़े बड़े क्लॉट्स निकलने लग गए थे। तो मेरे हस्बैंड ने अपने घर वालों को बताया, जो कि मैंने मना कर दिया था, बट उनका कोई रिएक्शन नहीं था इस बारे में। फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए क्योंकि मुझे थर्ड मंथ कंप्लीट होने वाला था, तो मेरा अल्ट्रासाउंड भी था, थर्ड मंथ लास्ट और फोर्थ मंथ स्टार्टिंग में मेरा, मतलब हर किसी का फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है। तो फिर डॉक्टर ने बोला कोई डरने की बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, और कभी कभी बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग की वजह से, इस चीज़ की वजह से ज़्यादा, और मैं तो कुछ खाती भी नहीं थी, वॉमिटिंग की वजह से, खाली पेट की वजह से ऐसा हो जाता है। तो ओके, हम लोग फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड स्टार्टिंग मार्च में आ गए, और आप लोगों को जैसे कि पता है बहुत ही बुरा वाला लॉकडाउन लग गया। तो मैंने ना अपनी प्रेगनेंसी में बहुत मींस चीज़ को फेस किया है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, मींस मैं बहुत अकेले पड़ गई थी, मुझे अकेले हॉस्पिटल जाना पड़ता था, वहाँ पे सारे ऑटो वगैरह बंद हो गए थे, तो मुझे, मैंने 7-7.5 महीने तक खुद स्कूटी ड्राइव कर रखी है, इवन आई थिंक 8th month स्टार्टिंग तक। तो डेली रूटीन चेकअप के लिए जाना पड़ता था, अल्ट्रासाउंड के लिए जाना पड़ता था, अपने लिए मेडिकेशन के लिए जाना पड़ता था, तो बहुत सारे काम होते थे, तो सब मैंने अकेले किए हैं। तो मुझे लगा था मेरे हस्बैंड जून में आएंगे क्योंकि हमारी एनिवर्सरी होती है, तो लॉकडाउन के उसमें उनको छुट्टी नहीं मिल पाई, वो आ भी नहीं पाए, मैं और ज़्यादा दुखी होगी क्योंकि फैब से फिर वो हो गया कि मेरे को स्टार्टिंग में घर छोड़ के गए थे और फिर एंडिंग में ही आएंगे, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे। और मेरा वेट 5-6 months से मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन होने लग गया, मेरी पूरी बॉडी स्वेलिंग होने लगी, मैं ना बैठ पाती थी ना उठ पाती थी, मैं नीचे बैठ के खाना नहीं खा पाती थी, तो मेरे हर चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। मैं टॉयलेट में बैठती थी तो मेरे पैर और ज़्यादा स्वेलिंग करते थे और मुझे बहुत ज़्यादा पेन होता था, तो वो भी नहीं हो पाता था मुझसे। एंड मैंने सच में बहुत चीज़ों को फेस किया है, मुझे आज भी बहुत दर्द, मैं बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को, मुझे रात को नींद नहीं आती थी, तो मैं पूरी पूरी रात हमेशा ऐसे बैठ के प्रेगनेंसी पिल्लो लगा के मैंने बैठ के नींद निकाली है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैंने 6 months एंडिंग है, 6 months मिड 6 months से मैंने पूरे 9 months तक बैठ के ही नींद निकाली है, मैं सो नहीं पाती थी और बहुत गर्मी लगती थी मुझे, मैं आई कांट एक्सप्लेन गाइज। उसके बाद फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे रात को लूज मोशन हो गए बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट आई डोंट नो किस चीज़ से, बट मुझे लूज मोशन हुए, तो 14-15 बार मेरे को कंटिन्यू लूज मोशन हो गए। उसके बाद फिर मेरे जो बगल में मामा मामी थे, मामा ने कहा चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ, तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल गई, और मैं हॉस्पिटल गई तो मुझे एडमिट कर दिया। तो मुझे कंटिन्यूसली 6-7 फ्लूड की बॉटल चढ़ी और इंजेक्शंस दिए, और मुझे लॉकडाउन में सब बंद हो चुका था, ना कपड़े थे मेरे पास ना कुछ था, जो रिंग पहननी थी मैंने वो भी फंस गई थी क्योंकि आप लोगों ने देखा था मैं कितनी मोटी हो गई थी, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी मेरी, मैं 42 से मैं 68-69 वेट में पहुँच चुकी थी, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा था, मेरी आँखें तक छोटी छोटी होने लग गई थी। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती थी, मॉर्निंग वॉक करती थी, एक्सरसाइज करती थी, बट आई डोंट नो सडनली मतलब मेरा वेट बढ़ते गया, वो पल मुझे अभी भी याद आता है ना, लोग कहते हैं कि तेरी बेटी इतनी क्यूट कैसे है, तो मैं इसको तो अभी तो बहुत खुशी होती है, लेकिन प्रेगनेंसी में जो हम, मतलब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, उसकी खुशी बहुत अलग होती है, वो अपना सारा दर्द भी भुला देती है। तो मैं, मेरे साथ कोई बात करने के लिए नहीं होता था क्योंकि मेरे ससुराल वाले बहुत कम बात करते हैं, तो मैं ना हमेशा अपने बेबी से बात किया करती थी। मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती हूँ, आप अपने बच्चे से ज़रूर बात कीजिए, आप प्रेग्नेंट है ना, तो बच्चा सुनता है, आफ्टर 6 months बेबी को सब सुनाई देते हैं, तो आप अपने बच्चे से बात कीजिए। तो मैं डी से ना बहुत सारी बातें किया करती थी, क्योंकि मैं भी अकेले होती थी और मैं खुद को बहुत अकेला फील करती थी, मैं क्यूट क्यूट बेबीज़ के फोटो पोस्टर्स लाती थी, उनसे बात करती थी, उनको किसी करती थी, तो मैं ये सब करती रहती थी। और अप्रैल मंथ में मैं फिर बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, तो मैं 20 days के लिए अपनी दीदी के घर चली गई थी, थोड़ा मेरा टाइम पास उधर हो गया था क्योंकि बच्चों के साथ मन लग जाता है, मेरा आधा से ज़्यादा टाइम मामी के साथ गुजरा है, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है, मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, मेरे साथ दिया है, मेरे साथ हॉस्पिटल चेकअप के लिए आई हैं, और
मैं उनके साथ काफ़ी टाइम काट लेती थी क्योंकि उनके वहाँ सिलाई करने के लिए आते थे तो दीदी लोग, मैं उनके साथ बैठ जाती थी। मेरा अपना अगर वो लोग नहीं होते शायद ही मैं वहाँ, मतलब पता नहीं क्या हो जाता, क्योंकि मैं बहुत बोलने वाली लड़की हूँ, मुझे तो कोई गपशप वाला चाहिए। और फिर इस टाइम पर तो बहुत ज़रूरत पड़ती है कोई हमें सपोर्ट करे, बोले। तो मुझे ऐसा लगता था उस टाइम पर कोई मुझे पूछे कि क्या खाना है और कैसा फील हो रहा है, बट ऐसा पूछने वाला कोई भी नहीं था। ना मेरी मम्मी लोग आए मुझसे मिलने के लिए क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, और मुझे कहीं ना कहीं अपनी मम्मी पे भी बहुत गुस्सा आता था क्योंकि उन्होंने ही मुझे बोला था आ जाओ घर करके। और मेरे हस्बैंड ने तो मुझे पहले ही कह दिया था कि नहीं जाओ, क्योंकि मुझे पता है उनसे ज़्यादा ख्याल मेरा कोई नहीं रख सकता है। तो बस गाइस बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, मैंने हर चीज़ को फेस किया है खुद। मैं सीरियसली बोलूँ मैं हूँ, मतलब लोग बोलते हैं ना हार्ड वर्किंग, मैं सच में हार्ड वर्किंग हूँ। मैं खुद का काम खुद करना पसंद करती हूँ, लेकिन प्रेगनेंसी जैसे टाइम में भी जब मैं स्कूटी चलाती थी मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं भगवान ना करे मैं गिर जाऊँ, कुछ हो जाए। लेकिन जाना पड़ता था ना, क्योंकि वहाँ ऐसा भी था कि मैं ऑटो बुक करके चले जाऊँ क्योंकि पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था। और थैंक्स टू माय दी, क्योंकि उन्होंने मुझे उस टाइम पे कपड़े ला के दिए, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था। जितने कपड़े मेरे को पहले आ रहे थे कोई भी नहीं आ रहा था, मेरे को लगा मैं धीरे धीरे ले लूँगी। और मैंने अपने प्रेगनेंसी में खाने की चीज़ों को बहुत मिस किया है क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं खाई, और मेरा जो मन करता था जैसा मैं चाहती थी खाना वो नहीं मिल पाता था, तो वो चीज़ मैंने बहुत मिस किया है। स्पेशली स्प्रिंग रोल बहुत मिस किया है मैंने। और बस उसके बाद जब मैं एडमिट हुई थी तो मैं सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे मेरे को डिस्चार्ज किया गया था, और मैंने कुछ नहीं खाया था। और उस दिन से मेरा जो मेरे को पेट दर्द होता था लेफ्ट साइड में, 6 मंथ से स्टार्ट हो गया था मेरा पेट दर्द। और 8th मंथ लास्ट जब मेरा, मुझे बहुत सारा फ्लू चढ़ा उसके बाद, आई डोंट नो कैसे फिर ठीक हो गया, उस दिन से मेरा पेट दर्द नहीं हुआ। फिर 25 जुलाई को मेरे हस्बैंड आ गए थे। आप लोग यकीन नहीं करेंगे मैं उठ नहीं पाती थी, जब मैं अकेली थी तो मैं किसी ना किसी चीज़ को सपोर्ट लेके उठ लेती थी। जब मेरे हस्बैंड आए उसके बाद मैं उनका हाथ पकड़ के उठती थी क्योंकि मेरे से उठा नहीं जाता था, क्योंकि मैं अपना वेट नहीं संभाल पाती थी। मेरे को चलने में भी बहुत अजीब लगता था क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा मीन्स बहुत मोटी हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा। मेरी सिस्टर है वो मेरी मासी की बेटी, वो जब भी आती थी मेरे पैर दबाती थी, और सीरियसली उसने मेरा बहुत सपोर्ट किया, उसने और उसके हस्बैंड ने, उन लोगों ने बहुत साथ दिया मेरा। वो मेरे हर सुख दुख में, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तब भी वो आई, कोई नहीं होता इतना अच्छा मुझे जूस पिलाने, और जब मेरी डिलीवरी हुई वो तब भी आई। तो 25th को मेरे हस्बैंड आ गए थे, उसके बाद मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि मुझे पता था कि अब मेरे हस्बैंड आ गए हैं और मैं अब कुछ भी कर सकती हूँ, मीन्स अपनी हर बात शेयर कर सकती हूँ। फिर बस यही था मेरा प्रेगनेंसी का। और फिर 8 अगस्त को हमें रूटीन के चेकअप के लिए बुलाया गया था, जिसमें फिर डॉक्टर ने बोला कि आपकी डिलीवरी आज हो सकती है। तो यही थी गाइस मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। अब वैसे बोलूँ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी जो मैंने झेल रखा है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, और वो जब बेबी मूव करता है ना बहुत अच्छा लगता है, सीरियसली बता रही हूँ। वो एक अमेजिंग फीलिंग होती है कि हमारे अंदर एक छोटा सा बेबी पल रहा है, बहुत अच्छा लगता है। आप यू नो मीन्स आप लोगों ने नोट किया होगा जब कोई दूसरा प्रेग्नेंट होता है ना, हम उसको बोलते हैं यार ये कैसे जा रहा है इतना बड़ा पेट लेके, और मीन्स इसको अजीब नहीं लग रहा। लेकिन जब हम खुद प्रेग्नेंट होते हैं ना तो वो ऐसा कभी फील ही नहीं होता कि लोग क्या बोलेंगे, इतना बड़ा पेट लग रहा हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। सीरियसली गाइस आई होप आप लोगों को मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट करना, और हाँ जल्दी ही मैं आपको अपनी डिलीवरी की जर्नी बताऊंगी कि क्या हुआ था मेरे साथ। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। इसको दिखा देती हूँ मैं एक बार क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा गपशप मार रही है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। इधर ये बहुत बदमाश है, ओ छोड़ ना।